हेलो दोस्तों, दुनिया में अलग अलग देश है, उन देशों के अलग अलग लोग हैं, उन लोगों की अलग अलग तौर तरीके हैं, लेकिन दोस्तों हम सभी को जोड़ के रखती है तो सिर्फ एक चीज, वो है पैसा, नोट। दोस्तों आप अपने स्क्रीन के सामने जो नोट देख पा रहे हो असल में वो क्या है? दोस्तों एक वादा है आपसे कि इसमें लिखी हुई रकम को आपको चुकाए जाएंगे। दोस्तों एक टाइम था जब कोई भी चीज खरीदने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत होती थी। हाँ दोस्तों अभी भी होती है, लेकिन दोस्तों आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी ने इस थर्ड पार्टी को आस्ते आस्ते खत्म करते जा रही है। दोस्तों बैंक भी एक थर्ड पार्टी की तरह ही है जो आपके ट्रांजेक्शन को सिर्फ सेफ करने का दावा करती है और एक बड़ा अमाउंट कमीशन के रूप में ले लेती है, और आपके इस ट्रांजेक्शन और हमारे करेंसी के ऊपर सीधे सीधे इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट और बैंक्स की। लेकिन दोस्तों क्या होता अगर ऐसा कोई करेंसी होता जिसके ऊपर बैंक्स तो क्या गवर्नमेंट भी कोई कंट्रोल ना कर पाए, कोई इन्फ्लुएंस ना डाल पाए? हाँ दोस्तों ऐसी करेंसी एग्जिस्ट करती है और इसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और दोस्तों बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है और अभी जो धमाल मचा रहा है दोस्तों, एक बिटकॉइन की कीमत अभी 8.5 लाख रुपीज है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइंस के बारे में। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, और आज के इस वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइन। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि बिटकॉइन फ्यूचर की मनी बन जाएगी। दोस्तों बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, दोस्तों ये बताना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों बिटकॉइन हम लोग डायरेक्ट किसी को भी भेज सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद लिए हुए। दोस्तों गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी इंटरफेयर और मॉनिटर नहीं कर पाएगी। दोस्तों इसकी गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं कट पाएगी। दोस्तों बिटकॉइन आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल करेंसी है जो कि ओपन सोर्स पर काम करती है। दोस्तों बिटकॉइन पूरी तरह से सुरक्षित और फास्ट है। दोस्तों बिटकॉइन की डिस्कवर करने वाले की नाम है सतोशी नाकामोटो, लेकिन दोस्तों इसके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती है। दोस्तों आज से कई वर्ष पहले जब एक बिटकॉइन का दाम था 6 रुपया और आज इसकी कीमत है 8.5 लाख रुपया। दोस्तों बिटकॉइन बहुत ही फ्लैक्चुएट है। दोस्तों इसके वैल्यू में काफी उतार चढ़ाव लगा रहता है। असल में दोस्तों जब सतोशी नाकामोटो ने इसकी आविष्कार की तब उनका मकसद करेंसी में बदलने में नहीं था, वो तो सिर्फ साबित करना चाहते थे कि बिना थर्ड पार्टी के पैसों का लेन देन संभव है। दोस्तों शुरुआत में एक पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन चुकाए गए थे। दोस्तों तब बिटकॉइन की कीमत 10 सेंट के बराबर था, लेकिन दोस्तों आज बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है। लेकिन दोस्तों ये डिजिटल करेंसी कभी क्या हैक हो सकते हैं? क्या फिल्मों की तरह इसमें भी पायरेसी हो सकता है? दोस्तों इसकी जवाब है बिल्कुल ना। दरअसल दोस्तों सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की लेन देन के लिए ब्लॉकचेन का आविष्कार किया है, और दोस्तों हजारों प्रोग्रामर्स इस ब्लॉकचेन की देखभाल करते हैं और उसके बदले उन्हें मिलता है बिटकॉइंस। दरअसल दोस्तों इस कोड लैंग्वेज में होने वाले आदान प्रदान को जो भी व्यक्ति सॉल्व कर पाए उसको मिलता है करीब 12.5 बिटकॉइंस। और ऐसे ही दोस्तों बिटकॉइन डिजिटल मार्केट में आती है, लेकिन दोस्तों जिस बिटकॉइंस के निर्माता की कोई जानकारी नहीं है, उसको संभालने वाले की कोई जानकारी नहीं है, तो ये बिटकॉइंस निकलते कैसे, काम कैसे करती है? दोस्तों जो प्रोग्रामर्स ब्लॉकचेन की सुरक्षित बनाए रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइनर्स, और वो लोग माइनिंग करते हैं। दोस्तों बिटकॉइन डिजिटल मार्केट में आती है पेयर टू पेयर। दोस्तों शुरुआत में एक ब्लॉक से करीब 50 बिटकॉइन की माइनिंग होती थी, और 4 साल में इस बिटकॉइन की माइनिंग आधी हो जाती है। इसलिए दोस्तों भविष्य में एक ऐसा समय जरूर आएगा जहां पे बिटकॉइन की माइनिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि बिटकॉइन में खतरा नहीं है, बिटकॉइन के अपने कई खतरे भी है। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि लोग क्यों पागल हो जा रहे हैं इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों वॉरेन बफेट के कहना है कि बिटकॉइन एक माया जाल की तरह है जहां पे लोग फर्स्ट इस माया जाल में इन्वेस्ट करके। दोस्तों बिटकॉइन के मामले में गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व ना होने के कारण बिटकॉइन की कीमत में काफी उतार चढ़ाव लगा रहता है। दोस्तों बिटकॉइन के इस्तेमाल काफी गलत काम के लिए भी होता है, जैसे कि अवैध रूप से हथियार खरीदना और बेचना। दोस्तों बिटकॉइन के इस्तेमाल हैकर्स, ड्रग डीलर और आतंकवादी भी करते हैं। दोस्तों आपकी क्या सोच है बिटकॉइन के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा और भी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।